सर आज 1200 टीचर्स और जो अधिकारी हैं उनको बैटच की नई परिभाषा के साथ आपने पेश किया है, कितना जरूरी है सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए ये सेशन? देखिए, सुरक्षा का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। समाज में हर प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग इन दिनों हो सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि बच्चों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अगर बच्चे जागरूक होंगे तो पुलिस को और दूसरे लोगों को भी अपना काम करने में आसानी रहेगी। तो बच्चों को आज स्मार्ट बनाने पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन असली स्मार्ट बच्चा वही है जो इन सब जानकारियों को भी रखे कि बुरे टच की पहचान कैसे की जाती है। इसीलिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया गया है, बहुत आसान एक प्रस्तुतिकरण किया गया है और एक 5 मिनट की मूवी तैयार की गई है। और आज हमारे राजस्थान के 1200 टीचरों और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेंड किया गया है, और हम पूरे दिन में इन 1200 लोगों को ट्रेंड करने के बाद 16 से 12 अगस्त के बीच में, 22 अगस्त के बीच में 7 दिन के अंदर पूरे राजस्थान के हर स्कूल में एक एक टीचर को ट्रेंड करेंगे, और 26 अगस्त के दिन नो बैग डे के दिन सभी विद्यालयों में एक साथ सेशन आयोजित होगा, जो मैं समझता हूँ कि किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि एक साथ 66,000 स्कूलों में जब 60 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रेंड होंगे तो मैं मानता हूँ कि ये सुरक्षा का दायरा बहुत ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे आने वाले समय में हम प्राइवेट स्कूल्स को और CBSE से जुड़े हुए स्कूलों को भी अपील करेंगे कि वे भी इस तरह के कार्यक्रम अपने अपने यहाँ आयोजित करें। तो जितनी ज़्यादा जागृति होगी उतना ही विकृत मानसिकता वाले लोगों को मुश्किल बढ़ती जाएंगी और काफ़ी बच्चे बच जाएंगे। नहीं, ये प्रोग्राम तो लगातार चलता ही है, CBSE RBSE और सभी बोर्ड्स की गाइडलाइन में भी ये बहुत समय से प्रोविज़न है कि गुड टच बैड टच की जानकारी बच्चों को दी जाए। बस हम ये कह सकते हैं कि इसको बहुत गंभीरता के साथ विभाग द्वारा समन्वित तरीके से पहली बार शुरू किया गया। 26 तारीख को सभी 66,000 स्कूलों में एक एक जो टीचर हैं वो ट्रेंड हो जाएंगे, तो सभी स्कूलों में एक एक टीचर ये ट्रेंड होने के बाद इसको करेंगे। बड़े स्कूलों में 3 या 4 सेशन होंगे, छोटे स्कूलों में 1 सेशन होगा, और जो मीडियोकर है उनमें 2 सेशन होंगे। कुल मिला के हमें उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा सेशन उस दिन आयोजित होंगे, सुबह 8 से लेकर 11 बजे के बीच में एक साथ जब ये काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का एक बहुत अच्छा मैसेज राजस्थान के राजकीय विद्यालय में जाएगा। इसके बाद 2 बार रिपीटिशन भी होता है, अगस्त में पहला सेशन हो जाएगा, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट और जो शिक्षाविद है उनका कहना है कि इस तरह के लेक्चर रिपीट होने चाहिए। अक्टूबर में इसको रिपीट किया जाएगा, फिर जनवरी में इसको फिर से रिपीट किया जाएगा। इस प्रकार से 5 महीने में 3 लेक्चर होने से बच्चों के दिमाग में अच्छे से चला जाएगा, तो आसानी रहेगी। हाँ, उसके बाद ये हर सत्र में ही होना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस ही है। थैंक यू।